हाय, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक न्यू जॉब अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, इंडिया पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक, इसके अंदर BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इन दोनों पोस्ट पर जबरदस्त वैकेंसी निकल के आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो चलिए इसके डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये वैकेंसी इंडिया पोस्ट GDS की तरफ से निकली है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि आपका दो पोस्ट है, BPM और ABPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। दोनों की पोस्ट को अगर हम कंबाइन करें तो आपकी जो ऑल ओवर इंडिया की टोटल वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी 12,828 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा। ये वैकेंसी हमारे स्टेट वाइज, मतलब सर्किल वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त चेक कर लीजिएगा कि आपके स्टेट में, आपके सर्किल से, आप जहाँ फॉर्म अप्लाई कर रहे हो कि उस सर्किल में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो आपको फॉर्म अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको 22 मई 2023 है, यानी कि ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट आपको 11 जून 2023 रहेगा। सो आपको इस डेट के अंदर ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप कोशिश करो कि इस डेट के जितना पहले हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर लो। और अगर हम फॉर्म की फ़ी के बारे में बात करें तो जनरल, OBC और EWS वालों के लिए 100 रुपीज़ चार्ज लगेगा। वहीं अगर मैं SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ऑल कैटेगरी फीमेल की बात करूं, तो आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। सो अगर एज लिमिट की हम बात करें तो जनरल वालों के लिए एज लिमिट आपका 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स रहने वाला है। और अगर SC ST या फिर OBC की बात करूँ तो कैटेगरी वाइज जो है वो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट रूल्स प्रोवाइड किया जाएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको 10th पास होना चाहिए, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है कि कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट आपको दिखाना है, बस आपको जनरली कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। इस पोस्ट के लिए आपको, इस वैकेंसी के लिए आपको साइकिलिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द जो होंगे एस्पिरेंट्स जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनको साइकिल चलाना तो ऑब्वियसली आता होगा। और हाँ फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जिस सर्किल से आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज का जो है वो ज्ञान होना चाहिए, आपको आना चाहिए वो लैंग्वेज बोलना, समझना, लिखना। मीन्स कि अगर आपने महाराष्ट्र से, अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ के सर्किल से फॉर्म अप्लाई करूँ, तो आपको जैसे कि महाराष्ट्र का जो लोकल लैंग्वेज है वो मराठी है, तो आपको मराठी का नॉलेज होना चाहिए। सो बेसिकली आप जिस भी सर्कल से फॉर्म अप्लाई करोगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ईजी है, एक भी एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल आपका मेरिट लिस्ट बनता है स्टेट वाइज, सर्कल वाइज, कैटेगरी वाइज, जिसके बेसिस पे फाइनली आपको सिलेक्शन मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपके कट ऑफ बनेंगे, एक मेरिट लिस्ट बनेगी। ये मेरिट लिस्ट जो है आपको पोस्ट वाइज बनती है,
सर्किल वाइज बनती है, कैटेगरी वाइज बनती है, यानी कि जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, एससी एसटी की, एक अलग अलग कैटेगरी में आपको कट ऑफ देखने को मिलता है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके कट ऑफ को आप अगर पार करते हो, उस कट ऑफ के अंडर आपका स्कोर आता है, तब जाके आपका मेरिट लिस्ट में नेम आता है। अगर मैं इस जॉब की सैलरी की अगर बात करूं, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, आपको बहुत अच्छा लगेगा जान के कि हर जॉब की एक फिक्स सैलरी होती है। बट यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी तो है ही, बट आप जितना ज़्यादा वर्क करते हो इसमें आपको उतनी ज़्यादा हायर सैलरी आपको मिलती है। जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट रहती है उसमें आपका एक मिनिमम वर्किंग आवर 4 आवर्स का रहता है। तो अगर आप 4 आवर्स डेली वर्क करते हो तो आपको 12,000 पर मंथ का सैलरी मिलता है। वही आप जितना ज़्यादा अच्छा, जितने घंटे आप देना चाहते हो इस काम को, उतनी अच्छी आपको सैलरी मिलती है। और अगर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात की जाए तो इसका जो बेसिक सैलरी 4 आवर्स के लिए है वो आपका 10,000 पर मंथ है। इसमें भी आपको सेम थिंग है, अगर आप ज़्यादा घंटे वर्क करते हो डेली तो आपकी सैलरी जो है वो हाई रहने वाली है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो लोग इसके सैलरी को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं कि अरे यार यहाँ तो 10,000 12,000 दिखाया है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। आप बेझिझक होकर इस फॉर्म को भरिए, आपको एक अच्छी सैलरी मिलने वाली है अगर आप काम करना चाहते हो ज़्यादा घंटे तक। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स है आपकी इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। अगर इसको समझने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन आए तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेरीज़ को सॉल्व करने की। और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए हो, अगर आप देखना चाहते हो कि मेरे सर्किल में कितनी पोस्ट है या फिर और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन डिटेल्स हैं, तो आप इंडिया पोस्ट GDS के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके आप इसे चेक कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मिलूँगी आपसे फिर से न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।